कोटा में निजी विद्युत कंपनी केईडीएल के खिलाफ शहरवासियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंपनी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने निजी फायदे के लिए आम लोगों को परेशान कर रही है, साथ ही भवनों के पास से निकल रही विद्युत लाइन को हटाने या अंडरग्राउंड करने की दिशा में जनता पर अवैध वसूली का दबाव बना रही है। इसके अलावा कंपनी कर्मचारी घरों के बाहर लोगों की इजाजत के बिना मीटर लगा रही है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द ही ऐसी कार्यप्रणाली बंद नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ये केडीएल वालों ने कोटा शहर में कई कॉलोनियों को नोटिस दिए हैं कि भाई जो आपने अवैध निर्माण कर रखा है उसके पास में कोई लाइन आ रही है उसको आप या तो अपने खर्चे पे हटवाएं या फिर अंडरग्राउंड करने के लिए उसका पैसा जमा कराएं। तो हम इन अधिकारियों को बताने आए हैं कि एक तो इन्होंने कई गलत लोगों को नोटिस दे दिए और अगर केडीएल को किसी चीज़ से परेशानी, कोई मकान 20-20 साल 25-25 साल पुराने बसे हुए हैं और सब बड़े मकान हैं, छोटे मकान भी, उसमें कई गरीब लोग भी, तो ये इन लोगों को ज़बरदस्ती मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं और अगर इनको किसी चीज़ से कोई परेशानी है तो इनको अपने खर्चे पे वो समस्या हल करनी चाहिए, ना कि जनता से अवैध वसूली करनी चाहिए। इस बारे में हमने इनको अभी अधिकारियों को एक बार प्रतिनिधिमंडल